देश का गौरव, प्रदेश की शान। राजधानी देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से आज 423 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए। इनमें से 333 युवा अफसर पास आउट होकर भारतीय थल सेना में शामिल हुए हैं, जबकि 90 कैडेट्स 9 अलग अलग मित्र राष्ट्रों से हैं। इस बार की परेड कुछ खास रही, जब कैडेट्स मास्क पहने नजर आए। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि सेना किसी भी हाल में रुकती नहीं है, अपने मिशन की ओर बढ़ती है। यही वजह है कि कोरोना के कहर और परेड के दौरान मूसलाधार बारिश के बाद भी जवानों ने कदम ताल मिलाकर अंतिम पग को पार किया। शनिवार सुबह हुई IMA में पासिंग आउट परेड में थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने मुख्य अतिथि रहे और परेड की सलामी ली। IMA के इतिहास में ये पहली बार था कि कैडेट्स के परिजन परेड में शामिल नहीं हुए। परेड के दौरान सभी कैडेट्स मुंह पर मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी गजब के अनुशासन और गरिमा के साथ दिखाई दिए। ये पहली बार है जब COVID-19 के चलते पासिंग आउट परेड के बाद भी कैडेट्स घर नहीं जाएंगे और सीधे रेजिमेंट पहुँचेंगे। पूर्व की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा 66 कैडेट्स पास आउट हुए। उत्तराखंड के पास आउट होने वाले अफसरों की संख्या 31 रही। न्यूज़ स्टूडियो के लिए देहरादून से सौरभ सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।